नमस्कार, हाजिर हूँ सचिन दीक्षित एक बार फिर से सीधी बात के कार्यक्रम में। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक नया शख्स होगा, लेकिन इस बार का शख्स थोड़ा सा अलग इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि इसने जब राजनीति शुरू की थी तब की यात्रा छात्र जीवन की थी। इसके विभागपन से इससे पहले भी आप वाकिफ हो चुके हैं एक इंटरव्यू के माध्यम से, जब इन्होंने अधिकारियों के विषय पर एक बड़ा खुलासा भी किया था। और वर्तमान साम्राज्य जिनका स्थापित है हितेन ठाकुर, जो इस समय बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, उनके विषय को लेकर भी उन्होंने बड़े खुलासे किए थे। उसको आप लोगों ने देखा, समझा, जाना। लेकिन आज हम सीधे इस सीधी बात के कार्यक्रम में उनके राजनीतिक जीवन की यात्रा पर बातचीत करेंगे। आप जान लीजिए कि एक वह युवा है जब कभी बचपन में 15 साल की उम्र में एक मैदान पर झंडा गड़ा था और उसके झंडे के आसपास जब खो खो या कबड्डी हुआ करती थी तो उसे जाकर देखता था और उसे उसमें सम्मिलित होकर वो वहाँ से यहाँ तक की यात्रा तय करता था। और वो जो खो खो हो रहा था या उस तरह के खेल हो रहे थे वो संघ का कार्यक्रम था। उस संघ को जानता नहीं था कि वो कार्यक्रम संघ का है या किसी और का, लेकिन वहाँ से लेकर यहाँ तक की यात्रा का सच क्या है, कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का सच क्या है, कांग्रेस पार्टी के अलावा एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं, उसका सच क्या था और अब तक के सफर में भारतीय जनता पार्टी का दामन किस प्रकार थामा, कांग्रेस क्यों छोड़ा और एक सच कि समाज सेवा के साथ इतनी विवाकपन कहां से लेकर आया। और एक बार जब इन्होंने बहुजन विकास अघाड़ी के खिलाफ लड़कर उनके ही एक कट्टावर नेता को हराने का पूरा प्रयास किया और उसमें सफल हुए, हार भले ये गए थे, उसका भी सच जानेंगे इस थोड़ी देर में। लेकिन तब तक देखिए इनके राजनीतिक जीवन का छोटा सा क्लिप। इस क्लिप में समझ जाएंगे कि शिव प्रताप सिंह शिवा आखिर क्या है, कैसा इनका व्यक्तित्व है। इस समय भारत संचार मंत्रालय में इनको सदस्य का पद भी प्राप्त है, इस पर भी सच क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे बस थोड़ी देर में इस सीधी बात के कार्यक्रम। तब तक देखिए छोटा सा क्लिप, फिर मिलते हैं ना सीधी बात के कार्यक्रम में शिव प्रताप सिंह से। बचपन में एक मैदान में देखा था भगवा झंडा, उस भगवे झंडे के सामने झुकते हुए कई लोगों को भी देखा और साथ ही देखा कई विद्यार्थी वहां खेल रहे हैं। इनकी उत्सुकता जगी और ये पहुंच गए उस मैदान में। आरएसएस की शाखा थी, जानते नहीं थे किसकी शाखा है और इसकी जड़ें और इसकी शाखाएं कहां तक फैली हैं, ये भी नहीं जानते थे। खेल खेल में पहुंच गए मैदान में और खेल खेल में पहुंच गए राजनीति तक। नाम है शिव प्रताप सिंह शिवा, इसमें भारतीय जनता पार्टी में शामिल है और दूर संचार मंत्रालय के एक विभाग में सदस्य भी, भारत सरकार के साथ में सम्मिलित होकर काम भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में पालघर थाना जिले के विभागीय सचिव भी। हम उसे सीधा मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि कम उम्र में राजनीति में उतरने वाला ये शख्स आज लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में अपने आप को उतार चुका है। उन लोगों के लिए काम करना इसने अपने आप को उचित समझा जहाँ राजनीति नहीं, जहाँ सेवा नीति आती है, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और उन लोगों की आवाज उठाना जिनकी आवाज दबी है, जिनको कोई सुनता नहीं, उनकी सुनवाई करने के लिए इस व्यक्ति ने समय समय पर अपने आप को आगे किया है। शिव प्रताप सिंह शिवा का लक्ष्य मात्र उन बच्चों को पढ़ाना है जो बच्चे गरीब हैं, असहाय हैं और पढ़ने में उनके सामने आर्थिक परिस्थितियां ठीक नहीं। शिव प्रताप ने अब अपने आप को राजनीति में रखा है लेकिन सेवा नीति में आ रखते हैं। फोटो से बहुत दूर और फेसबुक आदि चलाते जरूर हैं लेकिन उसमें वो तस्वीरें डालना उचित नहीं समझते। जिनको बताना ये जरूरी है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, बल्कि ये गुप्त रूप से बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जो लगातार करते रहते हैं। आज हम सीधे मुलाकात करेंगे राजनीतिक इनके अस्तित्व पर और बेबाक छवि पर। इससे पहले भी इन्होंने कई बार सत्ता पक्ष पर करारा प्रहार किया। आज मुलाकात करते हैं शिव प्रताप सिंह से और जानते हैं इनके राजनीति का सच। नमस्कार, आज मैं सीधी बात के कार्यक्रम में। थोड़ी देर पहले आपने शिव प्रताप सिंह शिवा का एक छोटा सा आपने क्लिप देखा। इस क्लिप में आप समझ चुके होंगे कि आखिर यह व्यक्तित्व है कैसा। आइए हम सीधे मुलाकात करते हैं, कुछ सच आपके सामने रखते हैं और जानते हैं कि आखिर इनका व्यक्तित्व राजनीतिक क्षेत्र में है कैसा। जी नमस्कार। इससे पहले भी आपसे बातचीत हो चुकी है, खैर आज फिर से आप ये बताइए कि राजनीतिक क्षेत्र में उतरने के पीछे का मन, बहुत लोग करते हैं उनके पीछे का मन महत्वाकांक्षाएं होती है, पद मिल जाए, मंच, माला, ताली, ये सब। आप जब राजनीति में उतरे, अब तक देखा जाए तो 20 से 25 साल हो चुके हैं, आपके मन भी लोभ लालच था कि चलिए एक अभी संचार मंत्रालय में पद मिल ही गया है आपको, आप भी राजनीति में आ जाए और पद मिले, लड्डू पेड़ा बालूशाही फिर ये सब, यही था और कुछ? और नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तो जब राजनीति में आया तो मुझे पता भी नहीं था कि ये राजनीति है।
मैं कुछ 9-10 साल का था तो हमारे तुलिंज में एक शाखा लगती थी, एक लाल झंडे के यहाँ जो है लोग प्रार्थना करके और खेल की शुरुआत करते थे। हमारे शशांक दादा और राम तिवारी और समीर करके ये लोग जो थे एक ग्राउंड में एक झंडा गाड़ के वहाँ नमस्कार करके हम लोग खेल की शुरुआत करते थे। तो मैं भी वहाँ रोज़ शाम को जाता था क्योंकि हमारे यहाँ खेल के मैदान तो ज़्यादा थे नहीं, तो वही एक मैदान था। तो हमारे कुछ स्कूल के दोस्त वहाँ वहाँ सब खेल कूल करते थे, तो वहाँ जाके खेल वेल करता था। बाद में फिर शशांक दादा अचानक जो है निकल गए कहीं प्रचार पे, कुछ आरएसएस का जो प्रचार होता है। कब पड़ा आपको किस संघ है? मालूम तो मुझे पड़ा करीब जब 10वीं में आया, तब तब तक ऐसे ही चलता रहा। हाँ, मैं वहाँ रोज़ खेलने जाता था शशांक दादा के साथ में। मैं शिविर अटेंड किया हूँ, 2-3 दिन का हमारा शिविर होता था। तो वहाँ जो है लाठी चलाना सिखाते थे, काली टोपी हाफ पैंट और बेल्ट वगैरह सब मैंने खरीदा था। वहाँ अच्छा लगता था जो है वहाँ शिविर में जो है जो वो लोग का सिस्टम था कि सुबह जल्दी उठना, चाय नाश्ता करना, फिर उनके जो अच्छी बातें थी वो सब सीखता था जो है। बाद में शशांक दादा जब चले गए प्रचारक के रूप में तो वो हमारा शिविर बंद हो गया। बाद में फिर करीब 2-3 साल के बाद हमारे एक मित्र है बंटी चिंदे, वो जो है एक स्टूडेंट यूनियन के वो नाला सुपारा के अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझसे अप्रोच किया कि तुम जो है अपन एक जो है कार्यक्रम करते हैं नाला सुपारा कला क्रीड़ा महोत्सव, तो उसके लिए फिर मैंने कहा चलो अच्छा कार्यक्रम है। तो फिर उन्होंने मुझे अपने अंडर में जनरल सेक्रेटरी लिया NSUI में। तो मुझे भी नहीं पता था कि कांग्रेस क्या है, BJP क्या है, NSUI क्या है। तो मैं एक छात्र के नाते उस NSUI में मैं जुड़ गया। जुड़ने के बाद फिर हमने नाला सुपारा कला क्रीड़ा महोत्सव की स्थापना की और हम अब्बास चावरे और बंटी चिंदे, किरण बड़ी गनवार, ऐसे हम बहुत सारे लोगों ने मिलके जो है वकार फौजी, ऐसे हमने सब मिलके जो है कार्यक्रम किया। उसके बाद फिर कार्यक्रम किया, तो कार्यक्रम करने के बाद जो हमारे साथ के कुछ लोग थे हमारे साथ में वो लोग फिर नगर सेवक बन गए, तो उन लोगों ने उस कार्यक्रम को नाला सुपारा नगर पालिका में समावेश कर लिया। फिर वो कार्यक्रम जो है नाला सुपारा नगर पालिका करने लगी। मुझे बहुत साल तक जो है नगर पालिका एज ए एडवाइज़र मुझे लेटर देती थी कि भाई आप आइए जो है आप लोगों ने इसकी शुरुआत की। आज वो कार्यक्रम हमारे यहाँ जितने भी महानगर पालिका है सब करती है हर साल वो कार्यक्रम जो हम जिसकी शुरुआत हमने की, पहले हमने किया, फिर विरानगर पालिका ने किया, फिर वसई नगर पालिका ने किया, अभी महानगर पालिका हो गई तो भी वो कार्यक्रम दिसंबर महीने में होता है। तो फिर वहाँ से जो है एक अच्छा काम की शुरुआत हुआ। पार्टी संघ में आप जाते थे, शिविर अटेंड करते थे, हिंदुत्व की भाषा समझते थे, सुबह उठना है, सूर्य को नमस्कार करना है सब, फिर भी भाजपा छोड़ कांग्रेस की तरफ बढ़े थे। मुझे पता ही नहीं था कि ये आरएसएस क्या है, भाजपा क्या है, कांग्रेस क्या है। खेलकूद के चक्कर में वहाँ शिविर में चले गया। बाद में ये जो कला क्रीड़ा महोत्सव जो हुआ ये तो हमने बच्चों के लिए किया, खेलते खेलते कला क्रीड़ा महोत्सव बना दिया और खेलते खेलते कांग्रेस पकड़ ली। हाँ, कांग्रेस पकड़ ली, लेकिन क्या है खेलते खेलते छोड़ भी दिया। खेलते खेलते छोड़ नहीं दिया, छोड़ तो दिया मैंने 2011 में। 2011 में मैं जो है नाला सुपारा सचिव से लेके महासचिव से लेके मैं महाराष्ट्र प्रदेश का सचिव बना NSUI में। उसके बाद जो है एक दिन मुझे फ़ोन आया कि आप जो है बिहार चले जाओ, बिहार में जाके आप NSUI का इलेक्शन करवाओ। तो मैंने कहा कि सर ऐसा है कि आप जो NSUI का इलेक्शन करवाते हो उसमें क्या होता है, मेंबर बनाते हो, फिर चुनाव कराते हो, फिर जो है विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आप बनवाते हो, जो आदमी सेकंड जो चुन के आता है उपाध्यक्ष वो अपने अध्यक्ष को नहीं मानता है, तो ये चुनाव का मतलब क्या हुआ? इसके पहले जो अपॉइंटमेंट हुआ करता था कि अध्यक्ष अपॉइंटमेंट करता है, उसके नीचे उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव होते थे, तो वो अपने अध्यक्ष का सम्मान करते थे। जैसे मेरे अध्यक्ष रोहित तिलक थे लास्ट, जो मैं जब तक मैं NSUI में था, तो जब रोहित तिलक पूना से चलते थे तो नई मुंबई थाना ऐसे जितने जिला अध्यक्ष होते थे वो सब उनके पीछे अपनी अपनी गाड़ियाँ लगाते थे। जब वो नाला सो पर आते थे तो उनके पीछे 25 गाड़ी होती थी। बाद में वही चुनाव जीत के आए विश्वजीत कदम और सत्यजीत तांबे, वो दोनों आपस से बातें नहीं करते थे। तो क्या मतलब, क्या मतलब वो तुम्हारा चुनाव कराने का, तुमने पार्टी खत्म कर दी, तुमने कंप्यूटर कांग्रेस कर दिया। जो है जो कंप्यूटर पे खाली कांग्रेस है, सभासद है 1-2 लाख, लेकिन जमीन पे एक भी नहीं, इसलिए आपने कांग्रेस छोड़ा। मैंने 2011 में छोड़ दिया। आपको लगता नहीं है कि संघ जहाँ हिंदुत्व की बात करती है, राष्ट्रहित की बात करती है, ये सारी भाषा है, स्लोगन है उनकी,
वहां से आपने कांग्रेस को पकड़ा, ठीक बात मान ली, फिर आपको कंप्यूटराइज कांग्रेस लगी, कंप्यूटराइज कांग्रेस छोड़ दी, यहाँ विचारधारा कहाँ है, राष्ट्र कहाँ है, राष्ट्र कहाँ है? देखिए मैं है ना, विचारधारा राष्ट्र ठीक है अपने जगह पे है, मैं एक इंसान की सेवा करने में बिलीव करता हूँ। रोहित तिलक ने हमको एक प्रोजेक्ट दिया था कि आप बच्चों को दत्तक लो, उसका मतलब ये होता है कि जो बच्चे की फीस, उस बच्चे का कपड़ा लत्ता, किताब कापी, सब अपन जिम्मेदारी लेने का। वो मुझे 2006 में उनका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और मैं उसको आज तक फॉलो कर रहा हूँ। भाजपा की पकड़ी, भाजपा इसके लिए पकड़ी कि नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई 2014 में, तो मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी एक आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं। जैसे उनका वो गैस का प्रोजेक्ट है, उसके बाद अभी उन्होंने जो जितने भी 15,000 से के तक के लोग हैं कमाने वाले, उनके लिए उन्होंने पेंशन योजना चालू किया, रिक्शा ड्राइवर, भाजी वाला हो, फर्नीचर वाला हो, एक्स वाई जेड जो भी लोग हैं, तो एक आम इंसान के लिए जो उन्होंने काम करना किया वो मुझे अच्छा लगा, इसके लिए मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना ठीक लगा, आप 2005 में चुनाव लड़े थे नगर सेवक, और चुनाव लड़ने के उपरांत आपको कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, आप सीधे लड़े उसके खिलाफ जिसका एक वर्चस्व था, और उसको आपने हराने के लिए, खुद जीते नहीं लेकिन आपने, खुद तो नहीं खाते दूसरों को भी खाने देते, मतलब खुद तो डूबे डूबे, आपने बहुजन विकास अघाड़ी के प्रत्याशी को भी ले डूबे, उसको भी हरा दिया आपने। एक्चुअली कैसा है कि मैं समझो 1995 से जो है NSUI में हूँ था, तो जब 2005 में जब चुनाव हुआ, नगर पालिका का जब चुनाव आया, तो मैंने भी टिकट मांगा। तो जब मैंने टिकट मांगा तो पहली बात तो जहाँ मैं रहता था वो सीट जो है महिला सीट थी, तो 95 से लेके 2005 तक वो महिला सीट थी। तो मैंने सोचा भी इतना दिन से मैं जो है थोड़ा समाज सेवा कर रहा हूँ, तो एक बार जो है चुनाव लड़ लेता हूँ तो कुछ पावर मिल जाएगी, तो कुछ और मैं लोगों का डेवलपमेंट कर पाऊँगा। तो मैंने टिकट मांगा, तो जो हमारी ब्लॉक अध्यक्ष थी डॉक्टर विजय सामेल, उन्होंने मेरा रिकमेंडेशन किया टिकट के लिए। तो लेकिन यहाँ के जो इंचार्ज थे हुसैन दलवाई, उन्होंने क्या किया कि जो है बहुजन विकास अघाड़ी से उन्होंने ये किया, अलायंस किया, अलायंस करके वहाँ का जो सीट से मैं टिकट मांग रहा था वार्ड नंबर 27 काजूपाड़ा से, वो सीट इनका एक नगर सेवक था भिवाजी शेलार करके, वहाँ वो रहता था उस क्षेत्र में, तो उन लोगों ने वो सीट उसको दे दी। और मुझे हुसैन दलवाई ने कहा कि मैं तुमको वो सीट नहीं दे सकता हूँ, और तुमको और कहीं से चाहिए तो बोलो। तो आपको तो गठबंधन का पालन करना चाहिए था, आप उस पार्टी में थे, आपने पार्टी छोड़ दी, निर्दलीय चुनाव लड़ गए और आपने हराने का पूरा प्रयास कर दिया, खुद तो जीते नहीं लेकिन हराने का प्रयास किया, सफल हो गए। सारा पालन हम ही करें क्या? हितेन ठाकुर ने कांग्रेस खरीद लिया है क्या? जो वो चाहेगा, जिसको चाहेगा उसको वही टिकट देगा क्या? हमारी खुद की इच्छा नहीं है कुछ, हमारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कांग्रेस से, इसमें हितेन ठाकुर कहां? नहीं, कैसा है कि हितेन ठाकुर के अलायंस से कांग्रेस चल रही थी ना यहाँ पे, महानगर पालिका जो नगर पालिका थी नालासोपारा, वहाँ हितेन ठाकुर और कांग्रेस मिल के लड़ रही थी। तो आज भी इसका आज भी काम है, पूरे महाराष्ट्र कांग्रेस वालों ने हितेन ठाकुर को बेच दिया है, कांग्रेस बेच दिया है। यहाँ पे जितने भी कांग्रेस के लोग हैं ना, उनको वहाँ तिलक भवन में गांधी भवन में बैठ के बेच देते हैं, बोले जाओ वहाँ जो है बिरयानी खाओ और उनका प्रचार करो। चलिए भी एक आरोप, अगला प्रश्न आपसे, आपने हितेन ठाकुर और बहुजन विकास अघाड़ी के खिलाफ 2005 से लेकर अब तक मोर्चा खोला हुआ है, किसी भी विधानसभा चुनाव में, किसी भी नगर पालिका के चुनाव में, किसी भी आम चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भी आप हमेशा बहुजन विकास अघाड़ी के खिलाफ खड़े रहते हैं, इसका कारण क्या है? क्या आखिर उन्होंने आपका निजी तौर पर नुकसान क्या किया, क्यों आप इनके खिलाफ इतना खड़े रहते हैं? निजी तौर पे तो नुकसान करते ही हैं वो, उन्होंने तो मेरी ज़मीन हड़पने का भी कोशिश किया था जो है, मेरी एक ज़मीन थी विरार में 10 करोड़ रुपए की, उन्होंने 2008 में उसको हड़पने की कोशिश किया था, मेरा हत्या करने की कोशिश किया था। अभी के जो जिला के LCB के इंचार्ज जितेंद्र वनकुटी साहब, उनकी वजह से मैं जिंदा हूँ। उन्होंने जो जिस गैंग को हितेन ठाकुर ने, भाई ठाकुर ने बोला था इसकी हत्या कर दो, मैंने इनको जाके बताया, बोला साहब ऐसा ऐसा लोग मुझे ढूंढ रहे हैं मेरा मर्डर करने के लिए, तो साहब ने उनको फ़ोन किया तो उनका जो प्लान था वो पूरा फेल हो गया, कि साहब को मालूम पड़ गया कि मेरी हत्या होने वाली है। तो मेरा तो उन्होंने नुकसान तो किया ही है, बहुत लोगों का नुकसान किया है। और यहाँ पे देखो आज भी है ना, देखो जो अमीर आदमी है जो कॉम्प्लेक्स में रहता है उसको आज ही पानी है, टैंकर का पानी खरीद लेता है, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो तुलिंज एरिया हमारा जो गांव है, वहाँ आज भी लोग बेचारे जो है ना टैंकर के ऐसा रोड पे लेके खड़े रहते हैं कि कोई टैंकर वाला आए 150 रुपये ले लेवे और हमको पानी दे देवे। तो मैं तो ये आज 30 साल से देखते आ रहा हूँ।
कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो मैं इनके खिलाफ नहीं रहूं तो क्या मैं खिलाफ में नहीं हूं? ये डेवलपमेंट करे, कोई खिलाफ नहीं ना। डेवलपमेंट वो उन्होंने, आपने कहा कि उन्होंने आपकी हत्या कराने का प्रयास किया, उन्होंने आपको निजी तौर पे आपकी ज़मीन हड़पने का, यानी कि आपकी रोजी रोटी भी छीनने का प्रयास किया, उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया। तो जीतते हर बार तो रहे, नगर पालिका में उनके नगर सेवक हैं, विधायक वो स्वयं हैं, उनके पुत्र विधायक हैं, तीन तीन विधायक हैं, पीछे उनका आम खासदार भी रहा है, ये सब कुछ रहा है, जनता का प्रेम मिलता रहा है, फिर भी आप ये बात कर रहे हैं। ऐसा है ना, अगर अगर आप बोलते हो कि वो जीतते आए हैं, मैंने आपको इसके पहले भी कहा था कि इनके जो नगर सेवक हैं वो बोलते हैं पानी नहीं आएगा बोल के, वो सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी उनको वोट देते, इसके लिए चुन के आते हैं। अगर सुनो, अगर जो है ये बहुत बड़े नेता होते तो कल्याण डोंबिवली का चुनाव लड़े, कितने लोग चुन के आए? बम्बई महानगरपालिका का चुनाव लड़े, कितने लोग जीत के आए? मीरा भाईंदर का लड़े, कितने लोग जीत के आए? अगर बहुत बड़े नेता हैं, स्वयं घोषित लोक नेता हैं, तो वहाँ पे क्यों नहीं चुन के आ जाते? खाली वसई विरार में क्यों जीत रहे हैं? और अभी भाई साहब अभी देखो 25,000 वोट से हम नालासोपारा विधानसभा में आगे हैं, क्यों? क्योंकि इनको डराने का मौका नहीं मिला, ये तो वहाँ विक्रमगढ़ में जाकर डरा रहे थे लोगों को, समझे कि नहीं, वहाँ धानु में जाकर डरा रहे थे, यहाँ इस बार डराने का मौका मिला नहीं, इसलिए देखो यहाँ की जनता ने खुल के वोट किया। आप ये बात कह रहे हैं, चलिए बात मान लेते हैं, लेकिन क्या लगता है विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं? लगभग सब तैयारी है, आप कह रहे हैं विकास हुआ नहीं, इस बार के चुनाव में क्या लगता है कि आप हरा पाएं? क्योंकि विधानसभा के चुनाव में भाजपा का टाइम टाइम फिर पहले भी हो चुका है, लहर थी, इस बार 25,000 वोट आप कन्वर्ट कर पाएंगे, 50,000 हो जाएगा, जीत कैसे पाएंगे? नहीं, कैसा है मालूम है क्या कि एंड टाइम यहाँ के जो स्थानीय उम्मीदवार होते हैं ये लोग उनको डरा देते हैं, वो बुला के बोलते हैं भाई हमने तुम्हें कुछ तकलीफ दिया है क्या, तुम्हारा धंधा व्यापार, पहले राजन नाइक थे डरे तुम्हें? अब वो तो राजन नाइक को पूछो कितने डरे थे, चार पांच दिन इलेक्शन के पहले कहाँ जाके बैठे, कौन बुलाया, क्या बुलाया, सब मालूम है, तो सब बोल के मतलब नहीं है। लेकिन एक अच्छे उम्मीदवार को टिकट मिलेगा जो लड़ेगा, जो इनसे डरेगा नहीं, जो इनके धमकियों को डरेगा नहीं, जो इनके पैसों को लेगा नहीं, ये डराते भी हैं और पैसा भी देते हैं। अच्छा, बोलते हैं तुम्हारा कितना खर्चा हुआ, 2 करोड़, ये लो 5 करोड़ रुपए। इनका इनका वो किशोर नाइक या कोई दीपक शाह जाके उसको पैसा दे देता है, तो क्या है वो सोचता है मेरा 2 करोड़ रुपये खर्चा हुआ है, 5 करोड़ मिल रहा है, चलो और 5 साल मजा करेंगे जो है। नहीं, आप ये देखिए, अभी यहाँ सवाल ये उठता है कि इस तरह का चुनाव प्रणाली अपनाते हैं, इस तरह से चुनाव लड़ते हैं, जीत हासिल हो जाती है, उसके पीछे का थोड़ा सा थ्योरी समझा दीजिए, मान जाएंगे कि आपकी बात पे दम। कैसा है ये, मैंने कहा ना आपको कि ये जो है डर, ये सब ये तो देखो पानी के नाम पर डराते हैं, उसके बाद जो है दारू, पैसा सोसाइटी के सेक्रेटरी चेयरमैन को दे देते हैं, तो सेक्रेटरी चेयरमैन की बात जो है पूरी बिल्डिंग सुनती है, वो क्या सोचती है, मेरा सेक्रेटरी चेयरमैन जो बोलेगा वो सही, मैं तो सुबह काम पे आता हूँ शाम को आता हूँ, सेक्रेटरी चेयरमैन बोलेगा उसको हम वोट दे देंगे, तो ये लोग पैसा भी बांटते हैं, ये लोग जो है डराते भी हैं, तो दोनों चीज़ करते हैं। हम क्या माने कि शिव प्रताप सिंह शिवा का आगे का टारगेट क्या है? आप लगातार 25 साल से राजनीति में हैं, इसमें दूरसंचार मंत्रालय में आप सदस्य भी हैं, भारत सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में आप लगातार काम भी कर रहे हैं, पद कोई चाहिए नहीं, चुनाव कोई लड़ना नहीं है, फिर भी आप बेकार में बेधड़क बेबाक तरीके से लड़ते रहते हैं, कारण क्या है, लक्ष्य क्या है आपका? नहीं, कैसा है कि मैं काम करता हूँ बच्चों के लिए, मेरा सोचना ऐसा है कि एक बच्चा अगर पढ़ लिख के बड़ा हो जाता है, कहीं उसको अच्छी नौकरी लग जाती है, तो उसका परिवार सुखी हो जाता है। तो मैं आज जो है 2006 से मैं इसमें काम कर रहा हूँ, और इच्छा नहीं है MLA MP बनने की, इच्छा नहीं है, मैं चाहता हूँ कोई अच्छा आदमी आए, वो चुन के आए और जो है हम उसको मदद करें। आप मदद करने की बात करते हैं, इस बार राजेंद्र गावित के चुनाव में, यानी कि लोकसभा के चुनाव में जो आपके गठबंधन के प्रत्याशी थे, यानी भाजपा शिवसेना गठबंधन के प्रत्याशी थे, उनके चुनाव के दौरान आपने चुनाव के 3 दिन पहले अधिकारियों पर जो अंकुश लगाने का काम किया था, ये सब काम करने में आगे आ जाते हैं चुनाव लड़ने के पीछे। आप आइए ना आगे, आप अपना दम दिखाइए ना, चुनाव लड़िए, या चुनाव लड़ने के बाद मैदान पे ऐसे इस तरह उतरिए कि लोग आपको सोचे समझे और वोट करें, फिर आप उस तरह से काम करिए ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो मैं बहुत इस पार्टी में जो है बहुत मैं जूनियर हूँ, पार्टी वार्टी के टिकट का कोई इच्छा नहीं है अपना जो है, मैंने कहा ना आपको कि मुझे कोई पार्टी जिसको टिकट दी उसको पूरा सब तन मन धन से मैं साथ दूंगा, और जो मैंने आरोप नहीं लगाया था, मैंने बराबर एलिगेशन किया था उसका, जो अधिकारी था वो राजेंद्र पाटिल, उसका मैंने कंप्लेन किया, अर्चना कदम का मैंने कंप्लेन किया, सारे कंप्लेन मैंने UD मंत्रालय में किया, वहाँ से अजीत कौड़े, शंकर यादव, सारे लोगों ने उसका फॉलोअप किया। उसका एक फ़ायदा मुझे हुआ कि जो अधिकारी इनको मदद करते थे, मेरी 27 तारीख के कंप्लेन के बाद वो सावधान हो गए। मेरे PA लोगों को बहुत सारे अधिकारियों ने फ़ोन किया, बोला अरे यार तुम्हारे सर ने हमको काम धंधे पर लगा दिया, हमारा तो कोई दोष भी नहीं था, हम तो कोई मदद भी नहीं कर रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि जो अधिकारी इनको मदद करते थे वो मदद करना बंद कर दिए।
अपने आप को सावधान कर लिया कि भाई मेरा भी एलिगेशन हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करके कार्रवाई होगी जो भी मदद करेगा, तो उस चीज को मैंने लिखित में कलेक्टर को कंप्लेन किया, मैंने इसके जो अर्बन मंत्रालय है उनको मदद किया, और बराबर जो है अजीत कौड़े, शंकर यादव कमिश्नर सब बराबर जो है इसमें लगे हुए थे सिस्टम में। क्या आपको, अच्छा चलिए ये बात तो एक हो गई कि चुनाव के दौरान क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से विधानसभा चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा, जीत हासिल किसको कितनी हो सकती है, जरा पर्टिकुलरली समझाइए। आने वाले समय में शिवसेना बीजेपी साथ में लड़ेगी, आमदार शिवसेना बीजेपी का होगा, महापौर अब जनता चुनने वाली है, जिस तरह लोकसभा विधानसभा चुना जाता है वैसे महापौर जनता चुनेगी, और महापौर भी शिवसेना बीजेपी का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीट जो है हमारी आएगी, सत्ता हमारी आएगी आने वाले समय में। हर बार ऐसा हुआ है नगर सेवक इनके पास हैं, चुनाव जमीन पर लड़ेंगे, जमीनी से इस तरह से ले जाएंगे, तो आपके आपके सामने चुनौती ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता आज भी उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, सोचा जाए ढूंढा जाए तो ऐसा कार्यकर्ता ढूंढा जाए जो नगर जो विधानसभा का चुनाव लड़े और जीत कर आए, तो नाम सोचना पड़ता है। उस समय आप ये कह रहे हैं कि भाजपा शिवसेना गठबंधन का प्रत्याशी आएगा जीतेगा, ऐसा कैसे मान लें? नहीं, मेरी तो इच्छा है कि यहाँ से जो है भरत राजपूत या अमरजीत मिश्रा या मोहित कंबोज जैसे कोई लड़े जो सही में लड़े, बाकी यहाँ पे दिखावे के लिए बहुत लोग बोल रहे हैं मेरे को चाहिए टिकट, मेरे को टिकट चाहिए, लेकिन मतलब नहीं होगा, वेस्ट होगा उसका जो है, ऐसे अच्छे लोग जिसको सही में जो सक्षम है और लड़े वो वैसा लोग यहाँ पे लड़े तो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। यानी कि वो डरे ना। हाँ डरे ना, बराबर। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, क्या लगता है आपको अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए, आपने कहा कि बच्चों के लिए आप काम करने आते हैं, जो बच्चे अनाथ हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उनके, उनको देख के आपको भावुकता होती है, उनके लिए आप काम करना चाहते हैं, इसको कैसे पूरा करेंगे, क्या लक्ष्य है, किस तरह? मैं तो कर ही रहा हूँ ना, आज मैं 2006 से कर ही रहा हूँ, बच्चे लोग को मदद करता हूँ, किताब भी खरीद के देता हूँ उनको, उनका फीस प्रोवाइड करता हूँ, यूनिफॉर्म चप्पल जूता मैं उनको मदद करता हूँ, मोस्टली मैं जिला परिषद के बच्चों लोगों को मदद करता हूँ, और मैं खुद एक सेंटर चलाता हूँ जो बच्चे कहीं पढ़ने नहीं जाते हैं मैं उनको पढ़ाता हूँ मेरे ट्रस्ट के माध्यम से। एक आखिरी प्रश्न, एक संदेश आपकी तरफ से जनता के लिए कि वो ये माने कि जाने कि माने और जाने कि शिव प्रताप सिंह ने हमें संदेश दिया था, उसे ज़िंदगी में हमें फॉलो करना चाहिए, इंसानियत के नाते कोई एक संदेश। कैसा है कि अभी देखो राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिससे हर चीज़ की कायापलट हो जाती है, आज मोदी जी आए देश का करप्शन खत्म हो गया, उस तरह जो है अपने यहाँ के तुम जिसको चुन के दे रहे हो वो तुम्हारे लिए कितना क्या काम कर रहा है उसका ध्यान में रखते हुए तुम चुन के लाना चाहिए। आज हमारे यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे कि महानगर पालिका में फ्री में दवा मिलेगी, अरे उस महानगर पालिका में क्या फ्री में दवा दोगे, यहाँ डॉक्टर ही नहीं है, लोग मर रहे हैं। अभी यहाँ पे एक एक्सीडेंट जैसे समझो होता है किसी का भी, टैंकर से अगर एक्सीडेंट होता है तो पब्लिक उसको उठा के कहाँ लेके जाती है, महानगर पालिका अस्पताल में, वहाँ लेके जाने के बाद जो है वहाँ जो BMS डॉक्टर है उसका तो दिमाग बंद हो जाता है, क्योंकि तो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वो देखता है सर फटा है पैर टूटा है तो तुरंत तो क्या करता है, उसको जहाँ से कमीशन मिलने वाला है उस अस्पताल में वो रिफ़र कर देता है, बराबर है, वहाँ भी अगर उसने लिया तो लिया, नहीं लिया तो बोलते बम्बई चले जाओ, तो ये सिस्टम में वो आदमी मर जाता है, समझे कि नहीं। तो जो है आप ऐसे आदमी को चुन के लाओ जो कम से कम आपको जो है अच्छा अस्पताल दे सके, अच्छा स्कूल दे सके। आज आज मैं मेरे तुलिंग गाँव में जो है फॉरेस्ट में लोग जो है जलाए जाते हैं और दफनाए जाते हैं, हमारे यहाँ शमशान नहीं है। मुझे मैं जो है आज 36 साल मेरे को नालासोपारा में हो गया, जानकारी मुझे 6 साल के बाद से है, तो मैं 30 साल बोल रहा हूँ, 30 साल से मैं देख रहा हूँ वही जो है काला पानी की सजा हमारे लोग भोग रहे हैं, समझा। यानी कि आप यही संदेश देना चाहते हैं कि सही लोगों को चुनो, सही लोगों को चुनो जो तुम्हारा विकास कर सके, बिना मतलब क्या है वो जब चुनाव आता है तो एक मैगजीन आती है महामेरु, उसके अंदर अच्छे अच्छे फोटो लगे रहते हैं, ये तालाब बना, वो तालाब बना, ये रोड बना, वो रोड बना, वो पब्लिक को क्या है वो 8-10 पन्ने का मैगजीन होता है हर घर में वो दिखा देते हैं, समझेंगे ना। उसमें क्या होता है कि आदमी सोचता है अरे यार ये कहीं तो बना होगा, अपने हाथों नहीं बना कहीं तो बना होगा, उस चक्कर में जो है वो देख के फंस जाते हैं। यानी फंस रहे हैं आज 20-30 साल से फंस रहे हैं, यानी फंसे ना साइड से वोट। हाँ फंसे ना, अच्छे लोग को वोट करो जो उनका काम करे उसका उसको वोट करे। लगभग सारी बातें हुई, सारी बातों में एक बात तो साफ कर दी इन्होंने कि एक बार इन पर हत्या का प्रयास किया गया, एक बार निजी तौर पे इनके जमीन को हड़पने का प्रयास किया गया, उसी के चलते आज भी ये किसी और से ऐसा ना हो इसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं, गरीब बच्चों के लिए काम करना आते हैं, जो अनाथ हैं, जो अपना अपने लिए कहीं सक्षमता ढूंढ रहे हैं उनके लिए सक्षम बनकर आगे आना चाहते हैं। एक बात और उन्होंने स्पष्ट कर दी कि विधानसभा चुनाव में एक ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे जो सक्षम हो,
जो यहाँ के लोगों से लड़ सके, यहाँ के लोगों का मतलब उन लोगों से लड़ सके जो वाकई में विकास नहीं करना चाहते। देखना यह होगा कि आने वाले समय में शिव प्रताप सिंह के मुताबिक यानी इनके मन के मुताबिक किसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, और सबसे बड़ी बात जिसके विरोध में इनका लगातार इनकी लड़ाई चल रही है उसको कब तक कहाँ तक वो पराजित कर पाते हैं और वो कहाँ तक इनके सामने और वो अपने आप को जय की तरफ ले जाते हैं, ये भी देखना होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत से। धन्यवाद।